हे गाइज, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और अपने इस YouTube चैनल में। तो हमारे लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में आने वाले नीट और IIT में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इस जो ये वीडियो है इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पार्ट बी में भी लगभग 7 to 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ वहां से टू क्वेश्चन आने का चांस 100% रहेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर टू नहीं आता है तो ये तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ यहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, नीट और IIT में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ लगभग 50% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ना कि नीट और IIT में। मैंने नीट, IIT और सब जगह से क्वेश्चन लिए। तो दोस्तों चलिए, तो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप एक बार वीडियो देखोगे 3 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है नोट्स बनाना और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आपको आयनिक रेडियाई की करेक्ट ऑर्डर बतानी है। तो हमको दिया गया है यहाँ पे K+, Ca+2, आर्गन, क्लोरीन एंड S-2। अब देखते हैं हम इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले देखिए, इसका कंसेप्ट एक ही है, हमको आयनिक रेडियस लगाना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है या कंसेप्ट मान लीजिए, कंसेप्ट एक तरीके से आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई का। देखिए आयनिक रेडियाई साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जेड इफेक्ट के, इसको आप न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो या जेड इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जेड इफेक्ट होता है ये नेगेटिव साइज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी दे रखा है एंड नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है। अब देखिए सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, ये भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cl- है, Cl- भी आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, ये आर्गन नहीं, K+, 19 एटॉमिक नंबर होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो ये भी आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, और Ca+2 ये भी आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे जब सब आर्गन में कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो यहाँ पे हम साइज से नहीं कर सकते इसको, हमको इसको करना होगा जेड इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज से। तो देखिए जेड इफेक्ट साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब जेड इफेक्ट कम, और जेड इफेक्ट कम तो आयनिक रेडियाई ज्यादा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए हम इसको साइज से नहीं कर सकते, साइज से नहीं कर सकते। तो अब हम इसको करेंगे चार्ज से, जेड इफेक्ट से और न्यूक्लियाई चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से। तो देखते हैं जब जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका जेड इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा, जिसका जेड इफेक्ट इतना कम उसका आयनिक रेडियाई उतना ही ज्यादा। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा है भूल जाइए, लेकिन जो 15 क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा सल्फर पे S-2, फिर क्लोरीन माइनस, आर्गन K+ एंड Ca+2। जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लेते हैं हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी नीट 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, IIT में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड IP टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम सेकंड IP का बताना है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इनका लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो सोच लीजिए आपकी केमिस्ट्री नहीं आती। ये पीरियोडिक टेबल ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस पे पीरियोडिक टेबल आ गया उस पे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 100% आती है, साथ में ऑर्गेनिक भी आती है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बहुत गहराई से समझिए। अगर आप पे पीरियोडिक टेबल आता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पूरी केमिस्ट्री आती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे बाद की बात बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे काम की बात देखते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, इसका होता है 23, इसका होता है 24 एंड इसका होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे सेकेंड आईपी पूछा गया है आपसे, सेकेंड आईपी पूछा गया है। टाइटेनियम का लिखते हैं 3D2, 4S2, 3D3 वेनेडियम का 4S2, में क्रोमियम था जो एक्सेप्शन था, अपवाद था, इसका होता था 3D5, 4S1, और इसका कितना होता है 3D5, 4S2। उम्मीद करता हूँ आप पे ये आता होगा, अगर नहीं आता तो अभी आप इतना समझिए, आने वाले आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर बताऊंगा, अभी आपको यही देखना है यहाँ पे और साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है, फिर से बता रहा हूँ आपको। अब हमको इसमें सेकेंड आईपी पूछा गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल कर देंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बचेगा, सबसे पहले हम आईपी फर्स्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आईपी सेकंड कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अभी ओनली एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो 3D2 4S1, ये भी 4S1, ये 4S0 एंड और ये 4S1। अब देखिए हम यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, आईपी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। जब हम यहाँ से देखिए, अगर जो कोई भी स्टेबल होगा, अगर जो इनमें से स्टेबल है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, लेकिन जो अनस्टेबल है वो तो स्टेबल होना चाहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कितना स्टेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में। देखिए ये 4S1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में 4S0 बन जाएगा, मतलब इसका आईपी बहुत कम होगा। ये भी 4S0 बन जाएगा, इसका भी आईपी कम होगा। ये 4S0 ये क्या बन जाएगा, ये 3D4 बन जाएगा, 3D4 4S0 बन जाएगा। तो ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, 3D5 से 3D4 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 3D5 होता है हाफ फील्ड, तो ये हाफ फील्ड से और भी कम नहीं होना चाहेगा, और ये भी 4S0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D5 4S0। तो देखिए सबसे ज्यादा तो हमारा क्रोमियम का हो जाएगा, क्रोमियम का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, हाफ फील्ड से फालतू की बेकार कंडीशन में जा रहा है, तो सबसे ज्यादा तो हमारा क्रोमियम का हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन कैंसिल, बच रहे तीनों ऑप्शन। अब देखते हैं अभी इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, 4s0 4s0 4s0। देखिए यहाँ पे 3D5 देखना है, इसमें 3D5 है मतलब ये हाफ फील्ड है, तो इन दोनों से ज्यादा मैग्नीज का हो जाएगा। मैग्नीज का देखते हैं वेनेडियम और टाइटेनियम से ज्यादा, इन दोनों में भी ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसल। अब देखते हैं हमारा कि वेनेडियम और टाइटेनियम में किसका ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पे लगेगा वो जेड इफेक्ट वाला रूल, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होता है तो आईपी इंक्रीज होता है। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखने की बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आईपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आईपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट, काम की बात यही है। तो इसलिए हमारा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम लेफ्ट एंड की तरफ आता है और वेनेडियम राइट एंड की तरफ आता है, इसलिए वेनेडियम का टाइटेनियम से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए तो अब हमारा यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, और ऑलरेडी AIPMT 2010 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका। हमसे पूछा गया क्लोरीन फास्फोरस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियाई का, तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करने से पहले आप पे आना चाहिए वो है पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा गया है, या तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आपको इनका अंदाजा होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह रखा गया है। तो देखिए मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये है हमारे सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, जबकि जो फास्फोरस है वो है हमारा ये 15 ग्रुप का एलिमेंट, और क्लोरीन है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम को सेट करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम, कैल्शियम है जो मैग्नीशियम के नीचे रखा गया है, फिर देखते हैं फास्फोरस 15 ग्रुप में, और जबकि जो क्लोरीन है क्लोरीन रखा गया है हमारे 17 ग्रुप में। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा मतलब इधर से इधर जाएंगे, तो इन तीनों में तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का हो जाएगा, फिर फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का, और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो हमारा ऑर्डर ये आना चाहिए साइज ज्यादा मतलब एटॉमिक रेडियाई ज्यादा। समझ नहीं आया हो तो फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में ये अंदाजा होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखना है। हमने यहाँ पे रख दिया ये दोनों एलिमेंट है ये सेकेंड ग्रुप के हैं, जबकि ये 15 ग्रुप का और ये क्लोरीन 17 ग्रुप का। तो देखिए हमने इनको सेट कर दिया, सेट करते हैं तो हमारा आता है ये ऑर्डर कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, तो इन तीनों में ऑर्डर आ गया, फिर बचता ही है तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, इसलिए हमारा आंसर देखिए कौन सा है, हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब हम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि केरला में सीईई नाम से करके एक एग्जाम होता है, जो कि उसमें 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी मेटल में किस में सबसे ज्यादा होती है? तो इसका कंसेप्ट बताता हूँ आपको। कंसेप्ट ये है कि ये याद रखने लायक चीज है कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल मेटल ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनाती है। देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप को तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल। जबकि जो सेकेंड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। याद रखना है आपको। तो देखिए, इसमें से चेक कीजिए एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सी है, सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है वो कौन सा है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्केलाइन मेटल, जबकि सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए, हमारा जो सेकंड ग्रुप है उसका जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पे आंसर कैल्शियम चला जाएगा। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए, तो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, गलत ऑप्शन कौन सा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कंसेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ये सब हाइड्राइड है, ये सब हाइड्राइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सब में, मतलब सब हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड के लिए देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्राइड के लिए बता रहा हूँ ना कि हाइड्रोक्साइड के लिए, ध्यान रखना है। इस जो ये रूल बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको ओनली हाइड्राइड पे ही अप्लाई करना है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑलवेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ वो है इंक्रीज होगी। काम की बात सबसे ज्यादा यही है। तो देखिए, हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पर भी इंक्रीज। देखिए, हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन से। जो फोर्थ ऑप्शन है, ये 16 ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं, ऑल्ड स्टाइल टीपो। तो देखिए, यहाँ पे इंक्रीज होगी, ये सही है हमारा। यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन नीचे आता है ब्रोमीन ऊपर आता है, ये भी सही है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन नीचे क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन नीचे, तो ये भी सही हो जाएगा। जबकि जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सल्फर ऊपर आता है सिलेनियम से, जबकि इसकी ज्यादा दिखा रखी है, लेकिन इसकी क्या होगी, इसकी कम होगी। यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमसे पूछा गया इनकरेक्ट ऑर्डर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मुझे आने का चांस सबसे ज्यादा लगता है, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मेरे इन 15 क्वेश्चन में से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने का चांस नीट और आईआईटी में सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए, मतलब एग्जाम में पूछे हुए लगभग 2 साल हो चुका, तो ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा रहेगा। आप इसको बिल्कुल समझ लीजिए, मैंने आपको हाइड्राइड के लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पार्ट बी में, वो आपको बताऊंगा हाइड्रोक्साइड के लिए। तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद मैक्सिमम आईपी। ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसका आईपी मैक्सिमम होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं जेड बराबर 16 पे क्या आता है, फिर 14 पे क्या आएगा, फिर 13 पे क्या आता है, और 15 पे क्या आता है। तो देखिए, 16 पे क्या आता है बताइए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस एंड सल्फर, सल्फर आता है हमारा। 14 पे क्या आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। 13 पे क्या आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। और ये क्या आता है 15 पे, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसका एलिमेंट का नाम लिख देना है। यह जो 16 पे आता है सल्फर, जो 14 पे आता है वो आता है सिलिकॉन, 13 पे आता है एल्यूमिनियम, एंड 15 पे आता है फॉस्फोरस। तो देखिए, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, और 13 का होगा, ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और जो 15 का क्या, इसका क्या होगा, 3s2 3p3। अब आई की आईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना।
जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका आईपी सबसे कम, जो जितनी ज्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका आईपी जित उतना ही ज्यादा। सबसे ज्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो पहले स्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी CoMeD के, इस नाम से एक एग्जाम होता है हमारे इंडिया में और जो कि बहुत फेमस एग्जाम है, पब्लिक जानती नहीं है लेकिन एग्जाम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके का एग्जाम होता है, जैसे कि हमारे नीट और IIT होता है उसी तरीके का एग्जाम ये भी होता है। तो देखिए सबसे जो मुश्किल से टफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी का आईपी सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा मुश्किल से टफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? ये 3p4 है, ये तो डोनेट करेगा तो ये तो आसानी से और करेगा क्योंकि ये 3p3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हाफ फिल्ड होने के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये तो आसानी से कर देगा, 3p1 ये भी आसानी से कर देगा। सबसे ज्यादा जो मुश्किल से करेगा वो करेगा हमारे फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि 3p3 हाफ फील्ड है, इसके बाद इससे ज्यादा मुश्किल से करेगा जेड बराबर 13 वाला, फिर करेगा जेड बराबर 16, फिर करेगा जेड बराबर 14, तो हमारा आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि केरला, इसमें इस नाम से CEE नाम से एग्जाम होता है जो कि 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डराइव्ड फॉर, मतलब एलिमेंट का पता किससे लगाया जाता है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता किससे लगाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड थर्ड ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और ये क्वेश्चन भी मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है लेकिन ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आइसोटोप क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन दोनों। तो देखिए आपको ये तो याद रखने का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है उसी से एटॉमिक नंबर का पता लगाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा पार्ट एक खत्म होता है यहाँ पे और आपको ये 7 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और नेक्स्ट हमारा आएगा वो लेक्चर में हम बताएंगे आपको पार्ट बी, और पार्ट बी में हम आपको 7 to 8 क्वेश्चन बताएंगे। इस प्रकार से हमारा पीरियोडिक टेबल का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, एक तरीके से मैंने आपको क्रीम निकाल के बताई है, और अगर आप पे क्रीम निकालना आता है तो आप सोच लीजिए आपका पीरियोडिक टेबल आपके हाथों में है, आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सही होने की गारंटी लेता हूँ मैं। तो आप ये जो 15 क्वेश्चन है इनका नोट्स बनाइए और बार बार 2-3 दिन में रिवाइज कीजिए, 5-6 बार अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं पीरियोडिक टेबल के वैसे भी पूरे लेक्चर आपको दिखाने वाला हूँ, सारे लेक्चर्स बनाऊंगा धीरे धीरे, अभी आपको मैंने यहाँ पे इतना बताया है, इतना ही कीजिए, इतना काफी है। चलिए तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम पढ़ेंगे उसमें पार्ट बी और देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।